माय चैनल, आई एम काजल बोरा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज से एक हमारी न्यू फूड सीरीज स्टार्ट हो रही है, पिथौरागढ़ फूड सीरीज। इसमें मैं महीने में एक या दो महीने में एक, मतलब ऐसे कुछ वीडियोस डालूंगी। उसमें मैं कोई भी टॉप 5 या टॉप 4 फूड लूंगी पिथौरागढ़ के, और उनका रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, और मैं बताऊंगी कि यहाँ बेस्ट क्या मिलता है, क्योंकि जब भी आप यहाँ विजिट करोगे तो आप उन्हें पक्का ट्राई करना। सो ऐसे कुछ हमारी सीरीज आज से स्टार्ट होगी। आज होने वाला है हमारी सीरीज का फर्स्ट एपिसोड। सो आज जाएंगे हम मार्केट, और मैं आपके साथ टॉप 5 प्लेसेस शेयर करूंगी जहाँ का फूड बेस्ट है मेरे हिसाब से। सो या Without any further ado, let's get started. So, आज हम स्टार्ट करेंगे पूजा रेस्टोरेंट से। ये बेकरी टाइप की भी, और यहाँ पे आपको छोले भटूरे, समोसे, मोमो, नूडल्स, हर चीज मिल जाएगी। सो ये गांधी चौक के जस्ट नीचे पे ही है। तो आज मैंने ऑर्डर किया है छोले भटूरे। ये है इसके यम्मी यम्मी छोले, और ये रेड वाली चटनी और ग्रीन चटनी विद सम दही एंड अनियंस, और काफ़ी मस्त सा लग रहा था लुक्स वाइज, और टेस्ट तो ना इसका यम है। जब भी आप थोड़ा घर आओगे ना तो इसे पक्का ट्राई करना। सो चलो फर्स्ट बाइट लेते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट कैसा करता है। थोड़े छोले लेते हैं और यहाँ पे एक अनियन लेते हैं और बाइट लेते हैं। सो इट वॉज यम, बहुत टेस्टी था ये, बहुत टेस्टी। लाइक ये लोग हमें 60 रुपीज़ में एक प्लेट देते हैं जिसमें दो भटूरे मिलते हैं हमें, वो भी बिल्कुल फूले फूले गरम गरम भटूरे, बहुत मज़े आते हैं। सो आप लोग भी यहाँ पक्का विजिट करो, अपनी फैमिली के साथ जाओ, और बहुत सही थे। बट जो छोले का फ्लेवर था वो मतलब मिड स्पाइसी था, ज़्यादा स्पाइसी था, बट स्टिल आई लाइक इट, काफ़ी सही थे। मेरे तरफ से इसको है रेटिंग 4.5 में से। सो आप लोग जब भी यहाँ आओगे पक्का ट्राई करना। लाइक ये बहुत अफोर्डेबल है, 60 रुपीज़ के आपको दो भटूरे मिल जाएंगे, और काफ़ी सही है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और ये रेस्टोरेंट भी काफ़ी अच्छा है, और आप लोग स्वीट्स में भी और चीज़ें ले सकते हो, बट आई रियली लाइक द छोले। तो ये है हमारा आज का सेकंड स्टॉप गुलाटीज। ये है सिलथाम में, चर्च से जस्ट ऊपर पे, और ये बाहर बहुत ज़्यादा जगह है। सो फाइनली आज पिथौरागढ़ में भी खुल चुका है, इसके डिफरेंट ब्रांचेस है। सो मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, सो चलो ट्राई करते हैं इनका चिकन। और ये है इसका मेन्यू, काफ़ी ज़्यादा है, मतलब बहुत चीज़ें हैं, और आप लोग ऑनलाइन भी मंगा सकते हो हंगर वैली ऐप के थ्रू। सो मुझे काफ़ी पसंद आया, मतलब ये जो ये है ना रेस्टोरेंट, इसका एम्बियंस और एवरीथिंग लाइक बहुत अच्छा आया। और यहाँ पे जितने भी भैया थे, मतलब सब लोग काफ़ी अच्छे थे, बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थे, और उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। सो आज हमने ऑर्डर किया चिकन टिक्का विथ सम चटनी एंड ऑफकोर्स अनियन। सो चलो इसे टेस्ट करते हैं और मैं आप लोगों को इसका टेस्ट बताती हूँ। सो यहाँ पे चटनी है, उसके साथ मैं इसे ट्राई करती हूँ विथ सम अनियंस अगेन, और ये टेस्ट करते हैं अमेजिंग। आज तक भी मैंने बहुत सारे टिक्का ट्राई किए, बट मेरे को मतलब मैं कहूँगी कि ना ये टिक्का मेरा बेस्ट था, मतलब बहुत ज़्यादा यम्मी। ये जो उसकी चटनी थी ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा सही हो रही थी। सो आप लोग अगर यहाँ पे पिथौरागढ़ पे आते हो ना, तो मतलब यहाँ तो ना पक्का विजिट करना। टेस्ट वॉज अमेजिंग, स्पाइसेस काफ़ी अच्छी थी, मसालों का फ्लेवर बड़ा अच्छा आ रहा था। आई रियली लाइक द फूड, और क्वालिटी क्वान्टिटी ऑसम। 200 था शायद इसका प्राइस, ऐसे ही कुछ था, बट 8 पीसेस आते हैं, और बहुत सही, और काफ़ी चुई थे इसके पीसेस, बिल्कुल भी थिक से नहीं, कच्चे नहीं रह गए थे अंदर से, काफ़ी अच्छे थे, और मुझे टेस्ट बहुत पसंद आया। मेरी तरफ से 5/5 रेटिंग, मतलब 5 से ना मैं 10 रेटिंग भी दे दूँ उसको, इतना सही था। सो आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना। तो भैया इसकी लोकेशन क्या होगी शॉप की? मैम लोकेशन ये रहेगी इसकी कि सिलथाम चौराहा है, यहाँ पर सिलथाम चौराहे से थोड़ा सा बाईं तरफ को आकर के एक चर्च पड़ता है, चर्च के जस्ट सामने पे ये गुलाटीज करके है। और कितना टाइम हो गया शॉप को? अभी तो मैम 1 मंथ हो रहा है। आज की थर्ड प्लेस, और ये है सिपाल चाउमीन सेंटर। ये जब गांधी चौक है ना, उससे नीचे को गली जाती है ना, वहाँ पे है ये। आप लोग आसपास पूछ लेना, सबको ही पता होता है इसके बारे में। सो इनके मोमोज काफ़ी फेमस हैं, और इतना ज़्यादा रश होता है ना, इतना ज़्यादा रश आप लोग देख सकते हो, मतलब एक सीट के लिए ना आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। सो इतनी मेहनतों के बाद मुझे भी एक सीट मिल ही गई। सो चलो ट्राई करते हैं मोमोज। ये हैं हमारे मोमोज, 8 पीसेस है, प्राइस है इसका 40 रुपीज़, विच इज़ अफोर्डेबल, और बहुत बड़े बड़े मोमोज के पीस होते हैं। सो ये टेस्ट करता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा। जो इसका स्टफ़ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा जूसी होता है, और पूरा चिकन की स्टफिंग होती है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से पके होते हैं ये, और
जो मोमो का ना आउटर लेयर होता है ना वो बहुत ज़्यादा थिन होता है, सो उस वजह से ना ये मोमोज बड़े अच्छे लगते हैं मुझे। और इसकी चटनी भी काफ़ी अच्छी होती है, और आप लोग देखो इसका स्टफ़ कितना जूसी लग रहा है दूर से भी, और साथ में सूप भी मिलता है आप लोगों को, जिसको आप रिफिल करा सकते हो, जितना पीना चाहते हो उतना पियो। और ये मोमोज बहुत अच्छे हैं, मेरी तरफ से 5/5 रेटिंग, सो डेफिनेटली ट्राई करना। तो ये है हमारा आज का फोर्थ फूड पॉइंट, और ये है सत्कार, सिमलगैर में है ये, आप लोगों को सिमलगैर एंटर करते ही ये मिल जाएगा, स्टार्टिंग में ही है, और काफ़ी सही है। इनका बर्गर और इनका अनियन डोसा फेमस है, तो चलो आज बर्गर ट्राई करते हैं। सो ये रहा बर्गर, लुक्स वाइज अच्छा नहीं है, पर कहते हैं ना डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये बहुत सही होता है। सो चलो इसे टेस्ट करते हैं। देखो स्टफ वेज है ना, तो कुकुम्बर अनियन और टमाटो वगैरह है इसमें, सो चलो टेस्ट करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा टेस्ट करता है और मुझे बड़ा पसंद है। और आप लोग ये मत सोचना मैं आज सबकी तारीफ कर रही हूँ, मैं उन्हीं फूड की रिव्यू कर रही हूँ आज जो मुझे पर्सनली पसंद है, और आप लोग भी उन्हें ट्राई कर सकते हो। सो काफ़ी अच्छा है ये, बहुत सही, और मुझे बड़ा पसंद आता है, सो रेटिंग है 5। तो ये है हमारा आज का लास्ट एंड पॉइंट, और ये स्ट्रीट फूड टाइप का है गोलगप्पे। तो मैंने सोचा चलो वीडियो गोलगप्पे से एंड करते हैं, क्योंकि गोलगप्पे तो बड़े सही होते हैं। सो ये स्टेडियम के ऊपर पे ही है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होनी स्टार्ट हो गई थी बहुत, तो वीडियो ना ऐसी बहुत बड़ी बेकार सी बन गई, बट स्टिल गोलगप्पे बड़े सही थे यहाँ पर के, बट आज थोड़े ना सूख रहे थे क्योंकि बारिश हो रही थी ना उस वजह से, बट और दिन ना यहाँ के गोलगप्पे बड़े अच्छे होते हैं, जो इनका ग्रीन वाला पानी होता है ना वो तो बड़ा ही मस्त होता है, और आप लोग डेफिनेटली ट्राई करना, बहुत अच्छे हैं। 10 रुपीज के 6 पीस देते हैं और काफ़ी ज़्यादा सही है। सो आज के हम इस सीरीज़ को यहीं पे एंड करते हैं, और मेरे फेवरेट थे चिकन टिक्का और स्टीम मोमोज थे जो, बट हर चीज़ काफ़ी अच्छी थी। सो या और जल्दी से मिलेंगे एक नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ, नेक्स्ट एपिसोड 2nd होगा जो इसका। सो बाय, टेक केयर।